क्या बगावत के लिए एनसीपी के हर विधायक को ऑफर हुए 100 करोड़ रुपए, उद्धव के नेता का बड़ा दावा। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का है। चाचा और भतीजे में वर्चस्व की जंग चल रही है। आज फैसले की घड़ी है। एनसीपी के दो गुटों किसका पलड़ा भारी है, यह आज साफ हो जाएगा। एनसीपी में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना ने एक बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता व विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवी ने कहा कि विधायकों को अपने पाले में करने के लिए 100 करोड़, इस साल 50, अगले साल 50 का ऑफर दिया जा रहा है। जाहिर है दानवी का यह निशाना सिंधी गुट की तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ हो सकता है। आपको बता दें कि अजीत पवार के बगावत के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई। अजीत अपने 8 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। चाचा और भतीजे में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। चाचा शरद पवार का कहना है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से 44 विधायक उनके साथ हैं। उधर अजीत पवार के गुट का कहना है कि हमारे पास 42 विधायकों के समर्थन का हलफनामा है। वहीं इस गुट ने कहा कि हमारे पास 3 एमएलसी के समर्थन का भी एफिडेविट है। ऐसे में आज दोनों गुटों की अलग अलग बैठकें होनी है। इस बैठक में दोनों गुटों की असली ताकत का पता चल जाएगा। खबर लिखे जाने तक अजीत पवार ग्रुप की बैठक में करीब 15 विधायक और 2 एमएलसी पहुंचे थे। 2 जुलाई को सिंधी की सरकार में शामिल हुए थे अजीत पवार। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत पवार सिंधी की सरकार में शामिल हो गए थे, मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। अजीत पवार सुप्रिया सुले के अध्यक्ष बनाने से नाराज थे। इससे पहले वो एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। पिछले साल भी चाचा और भतीजे के बीच कुछ नाराजगी पैदा हुई थी। किसी बैठक से वो उठकर चले गए थे।